नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान, अरंडी, अरहर, कपास, धनिया और ज्वार के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कॉमोडिटी धान के बारे में। इस साल 12 करोड़ टन के पार जा सकती है धान की पैदावार। बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ इजाफा। जी हां, आपको बता दें अगर धान की बात की जाए, ना सिर्फ उपज बल्कि निर्यात की स्थिति भी देखें काफी बेहतर। देश में इस साल धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से आपको बता दें जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल धान की पैदावार 12 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में भी अच्छा इजाफा दर्ज किया गया है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। वहीं चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33 लाख 80 हजार 654 टन का हुआ है, जो बीते साल 28 लाख 42 हजार 724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 42 लाख 17 हजार 255 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 35 लाख 87 हजार 432 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 9 मार्च को धान का भाव रहा 1600 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1675 रुपए। इसी तरह गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदों में 12 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मार्च को धान का भाव रहा 1562 रुपए, जो 9 मार्च को 1550 रुपए था। धान के भाव में उठाव का सिलसिला ओडिशा की बुनाई मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 9 मार्च को धान का भाव रहा 1868 रुपए, 10 मार्च को इसके सौदे 1132 रुपए उछलकर 3000 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते दो दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 मार्च को धान बिना किसी उठापटक के 2300 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहां की गोंडा मंडी में बुधवार को धान का भाव रहा 1500 रुपए। राज्य की सीतापुर मंडी में धान 5 रुपए टूटकर 1270 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान के सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 1670 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। 26 फरवरी 2021 तक धान किसानों से 6,63,00,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 5,70,30,000 टन का रहा था। तो जाना आपने धान के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, लेकिन इसके बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, छोटी या लंबी अवधि की अगर बात की जाए, धान का जो भाव है वो क्या नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहाँ तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग की मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, लेकिन शिव जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अभी अपने स्टॉक को रोक कर रखें या बाजार का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बासमती और गैर बासमती दोनों तरह के चावलों के निर्यात मांग में अच्छी तेजी आई है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा।
जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन कृषि जींसों की जिन्होंने सुर्खियां बटोरी अलग अलग मंडियों में। 6000 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही है अरहर की सरकारी खरीद, घरेलू स्तर पर कुछ कम रह सकती है पैदावार। और मंडियों में नरमी के साथ हुए अरंडी के सौदे, पैदावार में कमी का अनुमान। चलिए अब आपको बताते हैं अरहर के बाजार में क्या स्थिति है। सरकारी एजेंसी नेफिट की ओर से अरहर की सरकारी खरीद की जा रही है। अरहर की खरीद 6000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। क्या स्थिति रहेगी बाजार की, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वहीं इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफिट की ओर से 6000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफिट ने 1 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,763 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,970 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,238 टन, गुजरात से इसकी खरीद 522 टन, जबकि तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 9 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 4,900 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,600 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 575 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मार्च को अरहर का भाव रहा 5,450 रुपए, जो 9 मार्च को 4,875 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहां की कानपुर मंडी में 9 मार्च को साबुत अरहर का भाव था 5,800 रुपए, 10 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बुधवार को साबुत अरहर 10 रुपए चढ़कर 5,250 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 120 रुपए टूटकर 5,430 रुपए पर हुए। तो जाना आपने अरहर के बाजार में क्या स्थिति चल रही है और इस बार उपज में कुछ कमी का अनुमान, लेकिन इससे बाजार कैसे प्रभावित होगा या नहीं, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है, मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन शिव जी ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेब के बाजार की, अलग अलग मंडियों में इसका भाव क्या दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। कांगड़ा मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की मंडी, बात अगर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 6,350 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भिंडी के बाजार के बारे में। जी हाँ, भिंडी के भाव की अगर बात की जाए तो गुजरात की सूरत मंडी, यहाँ भाव रहा 3,625 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे अरंडी और कपास के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आपको हम आगे बताएंगे कपास के बाजार में क्या हलचल मची है, लेकिन इससे पहले आइए रुक कर लेते हैं अरंडी के बाजार का। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव में नरमी दर्ज की गई। हालांकि कुछ मंडियों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, वहीं साल अरंडी की पैदावार की अगर बात की जाए तो उसमें कमी आ सकती है। बात तिलहनी फसलों की कुल उपज की जाए तो इस साल देशभर में सभी तिलहनी फसलों की पैदावार 40 लाख टन बढ़कर आप बता दें 3,73,00,000 टन के पार जा सकती है। अरंडी के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरंडी के भाव में नरमी रही, वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। आवक की बात करें तो गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 मार्च को अरंडी का भाव रहा 4,425 रुपए, 10 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,425 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की देहगांव मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 55 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मार्च को अरंडी का भाव रहा 4,490 रुपए, जो 9 मार्च को 4,545 रुपए था। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 9 मार्च को अरंडी का भाव था 4,000 रुपए, 10 मार्च को इसके सौदे 400 रुपए टूटकर 3,600 रुपए पर हुए। जबकि गुजरात की ही सेमी मंडी में बीते दो दिनों के दौरान अरंडी के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 10 मार्च को अरंडी 25 रुपए मजबूत होकर 4,540 रुपए पर बिकी। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,73,11,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरंडी के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति, तिलहन के बाजार को देखें तो उपज बढ़ने का अनुमान, लेकिन अरंडी के जो भाव हैं वो कैसे नजर आ सकते हैं ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी क्या कहना चाहेंगे, अरंडी बीज के भाव की अगर बात की जाए क्या स्थिति हमें नजर आएगी आने वाले समय में बाजार में? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिला है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिवजी, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा, अभी जो उनके पास फसल है उसको रोक कर रखें या बाजार का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिवजी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं गाजर का मंडी भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी, यहां भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। बात मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की करें तो यहां भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब गाजर के बाद नजर डालते हैं नींबू के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की, भाव रहा 4,375 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 5,100 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के बाजार की। खरीफ बिक्री मौसम 2020 और 21 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद की जा रही है। 26 फरवरी 2021 तक कपास की 91,72,124 गांठों को खरीदा जा चुका है, जिससे 18,96,762 किसानों को इसका लाभ मिला है। कपास के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की बोडेली मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव यहां रहा, यहां भी 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 5,850 रुपए क्विंटल।
इसके साथ ही बात अगर गोलूवाला मंडी की जाए तो इस दौरान यहाँ कपास के सौदे 6,250 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कपास की उपज को अगर देखा जाए तो साल देश में होने वाली कपास की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 4,89,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 3,65,44,000 गांठ कपास की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो समान अवधि में आप देख सकते हैं 3,60,65,000 गांठ की पैदावार ही हुई थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है, पैदावार की अगर बात की जाए, वो कैसे प्रभावित करेगी बाजार को, ये जान लेते हैं शिवजी से। शिवजी, क्या कहना चाहेंगे कपास के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि घरेलू स्तर पर देखें तो कपास की पैदावार बढ़ने के सीधे तौर पर जो संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो बाजार भाव है या बाजार को भी अगर पूरी तरीके से देखा जाए, क्या असर रहेगा इसका? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ CCI की तरफ से खरीद भी काफ़ी अच्छी हो रही है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिवजी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं कपास के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिवजी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए फिलहाल मंडी खबर में। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ज्वार और धनी के बाजार भाव की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। करोड़ का कवे जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफे और कलम दबा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है। आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनिये के बाजार की। आपको बता दें इस साल 2020 में, यानी पिछले साल की अगर बात की जाए तो 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 7,095 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहां धनिये का भाव रहा 6,300 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 8,450 रुपए क्विंटल। खासतौर से अगर इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में धनिये की पैदावार पिछले साल के मुकाबले साल इस उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिये की उपज 1,40,000 टन की रही थी। तो प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, जहां पर इस बार करीब 55% की बढ़ोतरी धनिये की उपज में हो सकती है। लेकिन जो बढ़ोतरी उपज में हो रही है, बाजार को किस तरीके से सहारा दे किया नहीं, ये जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में धनिये के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं किस स्थिति में नजर आएंगे हमें? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं आवक में भी तेजी देखने को मिली है।
आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मांग में फिर से अच्छी मजबूती दिखाई देने की संभावना है। जी शिवजी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा, उनके लिए क्या सलाह? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आवक में बढ़ोतरी के कारण बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिवजी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब धनी के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, ये आपको बता दें। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी भाव रहा 1200 रुपये क्विंटल। जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी, यहां भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और प्याज के बाद आइए एक नज़र डाल लेते हैं टमाटर के मंडी भाव पर भी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां की लखीमपुर मंडी भाव रहा 820 रुपये क्विंटल। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 600 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं ज्वार के बाजार की। खासतौर से इस साल ज्वार की पैदावार की अगर बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 47,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन ही रही थी। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम रही। हाजिर भाव की भी अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,850 रुपये क्विंटल। गुजरात की सावन कुंडला मंडी, यहां भाव रहा 2,850 रुपये क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर कानपुर मंडी की बात करें तो यहां ज्वार का भाव रहा 1,740 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब के बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, ज्वार के बाजार की अगर बात की जाए, किस तरह की स्थिति इसमें हमें नजर आ सकती है, क्या कोई बदलाव जो है या बड़ा बदलाव हमें नजर आएगा बाजार में? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिला है, मांग सामान्य है। आवक की बात की जाए तो आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से ज्वार की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जी शिवजी, एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जो किसान हैं ज्वार के, उनको ऐसे में क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी मांग में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिवजी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बाजार के जानकार बता रहे थे आने वाले समय में जो कृषि जिनसे हैं उनकी स्थिति क्या रह सकती है। फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिनसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।